अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आफाक नदवी डिजिटल ग्राफिक प्रेस में आपका खैर मकदम करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मल्टी कलर बारात कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है और उसका बनाने का तरीका क्या है। कुछ लोग कार्ड में मल्टी कलर बारात लगाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बॉक्स लेना है। बॉक्स का साइज हम 120x80 कर देंगे। ये हमने इसको 120 और 120x80 कर लिया है। दोस्तों, मीटर पहले मैंने सारा बना कर रख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने पाए, ताकि आपको देखने में कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं हो। इसका मैंने ख़ास ख्याल रखा है और हेड लेन आपको 2 पॉइंट की ले लेनी है। फिर आपको इस हेड लेन को डबल कर लेना है। डबल कर लेने के बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद इसको हम कलर इसका चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के बाद लाइन को हम भी डिफरेंस कर देंगे। अब ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड लगाना है। ये बैकग्राउंड लेकर हम इसको पावर क्लिप के ज़रिए से बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप में गए, यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों, हमें श्री गणेश नमाय ऊपर लगाना है। ये पेज डाउन था, इसको पेज अप कर लिया मैंने। और उसके बाद में हमें बारात आमंत्रण ये लगा देना है। बारात आमंत्रण के बाद ये कलश हमें साइड में रख देना है। इस साइड भी कलश रख देना है। आप इसको सेंटर कर देना है। अब ये आपका ये सेंटर हो गया है। उसके बाद हमें ये नाम लगा देना है इसमें, ये एड्रेस, फादर नेम, लड़की लड़कों का नाम इसी तरीके से सेट कर देना है। ये भी नाम रख देना है इधर। और इसको सेलेक्ट किया, यस प्लस ये सेलेक्ट किया, फिर टी दबा दिया। टी दबाने के बाद ये टॉप से लेबल में आ गया, टॉप से बराबर हो गया आपका। उसके बाद में ये लोगो लगा देना है पढ़ने का। इसको थोड़ा छोटा किए दे रहे हैं, ये थोड़ा छोटा हो गया है ये। अब हमें नीचे बारात की टाइमिंग, डेट और पहले लिख देना है। उसके बाद ये हमें सेंटर में कर देना है। ये सेंटर हो गया। पहले इसका कलर हमें चेंज कर देना है। ये हमने कलर चेंज कर दिया। उसके बाद में हमें ये लाइन लगा देना है। नोट लग गया। अब हम साइड में हमें और लोगो लगाने हैं भी। ये ऊपर आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया। स्पेस थोड़ा खाली था तो ये बेहतर थोड़ा दिखने लगा है। इस साइड में हमें ये ब्रेड का लोगो लगा देना है। उसके बाद में हमें इधर साइड में बारात का लोगो लगा देना है। ये इस तरीके से लगा देना है और फिर ये लगा दे। आपका पूरा कार्ड रेडी हो गया। देखिए कितना आकर्षित और खूबसूरत कार्ड बना हुआ है। इसी तरीके से आपको बनाना है। 5 मिनट में आपका ये कार्ड पूरी तरीके से रेडी हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ ख़ास लेकर आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।